नगर इना दी सब तो पहली पेशकारी कोरियोग्राफी है मैं भारत हां, मैं भारत हां पेश कर रहा है मानवता कला मंच नगर। बदन मेरा लहू भेजा बदन मेरा लहू भेजा मैं हंजुआ दी इबारत हां है जख्मी आत्मा मेरी मैं भारत हां मैं भारत हां है जख्मी आत्मा मेरी मैं भारत हां मैं भारत हां बदन मेरा लहू भेजा रोज जलदा है जदों भी खून डुलदा है मेरा होका जा निकलदा है मेरा जम्मू ते कश्मीर अग विच रोज जलदा है जदों भी खून डुलदा है मेरा होका जा निकलदा है मैं पीड़ा दी हकीकत हां मैं पीड़ा दी हकीकत हां मैं दुखा दी इमारत हां है जख्मी आत्मा मेरी मैं भारत हां है जख्मी आत्मा मेरी मैं भारत हां बदन मेरा लहू भेजा नशियां विच डबो दिता मेरा निशान इस दिन मल मल के उना तो दिता मेरा पंजाब कुछ लोका ने नशियां विच डबो दिता मेरा निशान इस दिन मल मल के उना ओ दिता इना वास्ते मंडी इना वास्ते मंडी इना ले मैं तजारत हां है जख्मी आत्मा मेरी मैं भारत हां है जख्मी आत्मा मेरी मैं भारत हां बदन मेरा लहू भेजा मेरे तियां ते पुत्रां वास्ते है बेदर ते दिल्ली किसे दिए बन ना सकी मुट तोई बे परत दिल्ली जो जानी ना जो बुझी ना जो जानी ना जो बुझी ना मैं ऐसी गुजारत हां है जख्मी आत्मा मेरी मैं भारत हां है जख्मी आत्मा मेरी मैं भारत हां बदन मेरा लहू
ਸਾਬਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਖਵਾਬ ਸਭ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੋਪਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਖਵਾਬ ਸਭ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬਿਨ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੱਤ ਹਾਂ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਬਦਨ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਭਿਜਾ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਏ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਏ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਏ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਏ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਾਂ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਬਦਨ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੂਰਾ ਮਰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਰਦਾ ਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਂ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ ਬਦਨ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਭਿਜਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਬੜੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
और जिहड़ा जात पात का जिहड़ा वितकरा है उन्हें झलदे हुए उन्होंने अपना बहुत ही उच्ची विद्या हासिल की और उन्होंने अपने विश्व पद्धर ते प्राप्त किए ज्ञान नू सारे देशवासियों के दे लेखे ला दिता सारे मानवता के लेखे ला दिता। इस करके अज उन्हां नू साढ़े देश में ही नहीं पूरे विश्व के विच याद किया जाता है। अज वो सिर्फ भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न करके वो जाने जाते हैं। असली गल विचारां दी है तो उन्होंने जो जीवन संघर्ष है सब तो सानू प्रेरणा मिलती है कि जे असी तरक्की करनी चाहिए तो कोई भी रुकावट जिहड़ी आ वो साढ़े राहां दे विच नहीं आ सकती। सियाने कहिंदे ज्ञान ही शक्ति है नॉलेज इज पावर। जिहड़ी अज्ञानता वो सराप आ अज्ञानता वास ही असी अपने जीवन विहा दिंदे आ। जीवन जिहड़ा कि सिर्फ इक्को बारी मिलता जिहड़ी चीज़ इक्को बारी मिलती है सानू उहदा मुल पछाणना चाहीदा। और जित तक किताबां दा सवाल है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्ने ज्ञानवान तां बने कि उन्होंने दुनिया भर का लिटरेचर पढ़िया। और किसी महापुरश नूं मनण दा मतलब यह है उन्हां दे विचारां नूं जानना समझना और अपनी लाइफ दे विच अपनी जिंदगी दे विच ढाल लेना। जो तक असी ये नहीं करते असी जिहड़ा अपनी तरक्की नहीं कर सकते। हुण साडे देश दे विच ये आ कि बाबे तो बहुत आ पर बाबा साहब सिर्फ इक्को ही आ क्योंकि जिन्हां ने दुनिया नूं जीण दा ढंग दस्सिया बड़ी तंगियां नाल विद्या प्राप्त की रोतों बाद देश की आजादी दे विच हिस्सा पाया भारत का संविधान लिखिया अंग्रेजों नाल लड़ के आजादी जिहड़ी आ प्राप्त की। इस देश दे पहले कानून मंत्री बने संविधान बनाया और आखिर दे विच उन्होंने जिहड़ा धर्म का रास्ता बुद्ध धर्म का रास्ता जिहड़ा वो सानू दस्सिया। उन्होंने सारे संघर्ष का जिहड़ा सिट्टा आ वो ये है कि इस देश के गरीब मजदूर लताड़े पछाड़े लोग सारे जिहड़े आ वो एक मुठ होण एकजुट होण उन्हों पछाणन के सानू लुट्टण वाला कौन है। सानू यह जिहड़े तुसी नाटक दे विच भारत देखिया ये असलीयत है। तुसी ये ना समझो कि जे साढ़े ते जुल्म नहीं हुंदे पंजाब दे विच जां इस एरिए दे विच तां जिहड़ा देश आ वह भी इदां दा ही आ। अखबारां दा देखो नैट ते देखो तुसी उन्हां घटनावां नूं देख नहीं सकते जदों कोई जिहड़ियां आपां नैट ते देखदे हाँ। तो क्यों हुंदा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिता जो स्वतंत्रता समानता भाईचारे और न्याय का जिहड़ा थामिया उहदी हाकमां ने परवाह नहीं कीती। जे सिर्फ इत्थों दे हाकम संविधान नूं ही इमानदारी नाल हूबहू लागू कर दिंदे जो उहदी स्पिरिट है तां इस देश दे विच समस्या कोई नहीं सी रहिणी। पर जिवें अज देखदे हाँ और पहलां तों देखदे आ रहे हाँ कि संविधान दे नाल बेईमानी वरती गई। इसलिए बाबा साहब ने कहा सी कि संविधान चंगा होगा जे इहदे नाल डील करन वाले दी वरतों विहार विच लियाउण वाले जे चंगे होए यह माड़ा साबित होगा जे माड़ियां दे हत्थ आ गया। और माड़ियां दे हत्थ इसलिए आ गया कि असी लोग अज्ञानी हाँ असी अपनी चेतनता वधाउण दे लई कुछ नहीं किया। असी निजी तौर पर तरक्की कर ली आ पर समाजी तौर पर जिहड़े आ बहुत पिछे हाँ असी अजे तक। और इस गल का जिहड़ा फायदा आ वो जिहड़ा लोटू जिहड़ा ढाणा आ वह उठाउंदा साडी अज्ञानता का। इस करके बाबा साहब नूं डॉक्टर अंबेडकर नूं पढ़न का मतलब समझण का मतलब यह है कि तुसी चंगे माड़े की पछाण खरे खोटे की पछाण दुश्मन और दोस्त की पछाण जिहड़ी करना तुसी सिख जाओगे। तो मैं तुहानूं अपने वालों बेनती करदा कि जिन्ना बाबा साहब नूं पढ़ लोगे उन्ना ही थोड़ा आ जिन्ना बाबा साहब नूं पढ़ लोगे उन्ना ही थोड़ा जिन्ना समझ लोगे उन्ना ही थोड़ा आ।
क्योंकि जिहड़ियां समस्यावां नाल असीं जूझदे हां बाबा साहब ने साडे नालों ज़्यादा गंभीर समस्यावां दा सामना किया। और बाबा साहब का जिहड़ा जीवन आ, डॉक्टर अंबेडकर साहब का जिहड़ा जीवन आ, और उनकी जिहड़ी वक्खरता बाकी इनकलाबियों नालों जां संघर्षी लोगों नालों ये है कि उन्हां नूं बाकियों नूं उन्नियां विरोधतावां का सामना नहीं करना पिया जिन्ना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं करना पिया। जे इब्राहिम लिंकन ने कालिया की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी तो गोरिया ने भी उन्हों का साथ दिता। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसे आ कि असी जिहड़े जे समाज नूं ये उपर चुकना चाहते सी। देखो कमजोर वर्गों के लिए काम करने का मतलब यह है सारे देश लिए काम करना। जे साडे शरीर का कोई अंग कमजोर रहेगा तो असी तंदुरुस्त नहीं हो सकते। इस करके सब तो माड़े लताड़ियां दे लई काम करना सब तो ज़्यादा औखा सी। और जिहड़ा जात पात का बीज नाश वर्गियां किताबां उन्होंने लिखियां, जिस बीमारी के उत्ते किसी डॉक्टर ने उन्ना काम नहीं किया जितना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया।